अच्छा भी नहीं कर पा रहा था पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था मेरा ये था कि मैं कब खुद के पैरों पे खड़ा होकर मम्मी पापा को सपोर्ट कर पाऊँ जब मैं अच्छा पैसा कमाने लगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा तो मैं मम्मी पापा की बात यहाँ से सुन के यहाँ से निकालू मैं भी कभी सोचता था कि काश मैं भी कभी ऐसा कोई बड़ी सी कंपनी का डायरेक्टर बन पाऊँ और मेरे पास भी इस तरह की बी गाड़ी हो सबको लगता है कि एक छोटी सी नौकरी से इतना बड़ा ख्वाब बहुत बड़ी बात है बहुत अनरियलिस्टिक है लेकिन अनरियलिस्टिक कुछ भी नहीं है अगर देखो यार ये बात तो 200 परसेंट सच है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे जगह से या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या ऐसे जगह से निकल के आते हैं जहाँ पे गाइडेंस की बहुत कमी है कि आपको क्या करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है किसी को कुछ नहीं पता तब तक नहीं पता चलता जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ ना आ जाता मैं भी असम के एक छोटे से गांव से पला बड़ा हूं जहाँ पे पढ़ाई की अहमियत बस इतना ही था कि आपको अगर मैच आ जाता है और पैसे गिनना आ जाता हो तो कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस कर लो या बिज़नेस में घुस जाओ और अपना गुजारा कर लो मैं थॉमस लगासू आज अपना जॉब्स में एस हेड ऑफ सेल्स काम कर रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो सारे स्किल्स चाहिए होते थे या जो भी गाइडेंस या राह चाहिए होता था वो मुझे काफ़ी देर बाद समझ आया और जब तक समझ आया तब तक मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था लाइफ में जैसे कि पैसे की प्रॉब्लम में घुस गया लोन्स के टेंशन में घुस गया या स्टेशन में सोना पड़ गया था खाने के लिए भी पैसे नहीं थे ऐसे सिचुएशंस में आ गया था मैंने अपने आप को इस छोटी सी नौकरी से इस बड़े मुकाम पे कैसे पहुंचाया ये सारी चीज़ें आपको बताने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और जो स्टॉक्स मिल आपके लिए कुछ ऐसा करो जहाँ पे आपको इन सारे स्ट्रगल से ना गुजरना पड़े इसीलिए इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा हमारे कोर्स के बारे में जहां पे 21 दिन के अंदर आप ट्रेन बन के अपने को स्किल बना के एक नौकरी भी हासिल कर सकते हो हम देते हैं आपको 100 परसेंट जॉब गारंटी जब मैं पैदा हुआ तो मेरे ऊपर पहले से ही प्रेशर था पढ़ाई का कि मम्मी पापा ने पैसे बहुत ज्यादा लगा रखे हैं और मुझे अच्छा करना है क्योंकि मैं और मेरे साथ दो और भाई है जिनको फ्री स्कूल्स में भेज दिया था और मैं एक अकेला बच्चा था जिसको अच्छे स्कूल में दाखिला किया था और मम्मी पापा ने अपने सारे पैसे लगा के मुझे पढ़ाई करवाया था और इसी के चलते मेरा लाइफ ऐसा था कि मैं स्कूल जाऊं और स्कूल से वापस आऊं तो थोड़े देर रेस्ट करने को मिलता था और बाकी के टाइम बस पढ़ाई 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 ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं करने को मिलता था क्योंकि हमेशा से ये डर था कि कहीं मैं भी ना बिगड़ जाऊँ कहीं मैं भी ना बिज़नेस में घुस जाऊँ या पढ़ाई छोड़ दो तो ये डर हमेशा से मम्मी पापा को था और इसी के चक्कर में मम्मी पापा ने हमेशा से मुझे काफ़ी बाउंडेड रखा लेकिन साथों साथ काफ़ी अच्छे शिक्षा भी दी लेकिन बीच बीच में बीच बीच में मम्मी पापा काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे पैसे के लिए क्योंकि आ, पापा के मतलब नौकरी नहीं था वो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे कांग्रेस के ज़माने में लेकिन जब कांग्रेस हार गए और बीजेपी सरकार आ गए तो पापा के सारे काम रुक गए थे और धीरे धीरे उधारी में घुसते रहे घुसते गुछ, रहे और काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था तो ऐसे में मेरा जो छोटा भाई है उसने बारहवीं के बाद ड्रॉप आउट करके दिल्ली आ गए थे और एक छोटे से कॉल सेंटर में अपना नौकरी शुरू किया पार्ट टाइम एंड फिर उन्होंने मम्मी पाप को सपोर्ट करना शुरू किया और जब मैं इंजीनियरिंग की लास्ट सेमेस्टर में था और एग्ज़ाम्स होने वाला था तो मेरे भाई ने मुझे कॉल किया और बोला कि भाई मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है तो आपके जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए आप दिल्ली आ जाओ मेरे साथ कॉल सेंटर्स में काम करना शुरू कर दो और दोनों भाई मिलकर काम करके मम्मी पापा को सपोर्ट करेंगे तो मैं काफ़ी खुश हो गया इस बात को सुन के क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान था कि मैं क्या करूं और काफ़ी मन ही मन में बुरा लग रहा था क्योंकि इंजीनियरिंग के नाम पे मम्मी पापा को काफ़ी उधारी में घुसना पड़ा था और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे उनसे पैसे मांगते हुए और मैं अच्छा भी नहीं कर पा रहा था पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था मेरा ये था कि मैं कब खुद के पैरों पर खड़ा होकर मम्मी पापा को सपोर्ट कर पाऊँ तो ऐसे में जब भाई ने मुझे ये बात बोला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम एंड फाइनली जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैं पहली बार दिल्ली आया भाई से मिलने और यहाँ पे भाई के साथ काम करने के लिए एंड जब दिल्ली पहुँचा और बाहर निकल के देखा तो मुझे कहीं भी ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगे नहीं दिखा जिसके वजह से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट भी था और जब मैंने भाई को पूछा कि भाई दिल्ली तो बिल्कुल अलग है मतलब थोड़ा भी मूवी जैसा नहीं है एकदम बिल्कुल सेम एस असम जैसे छोटे छोटे बिल्डिंग है तो उसने मुझे ताना मार के बोला कि तुम्हें क्या लगा तुम अमेरिका आ गए हो सो आई 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 फील वेरी डिसअपॉइंटेड बट मैंने फिर बोला कि ठीक है चलेगा कोई नहीं फिर मैं अपने भाई के साथ रहने लगा और काफ़ी इंटरव्यूज़ दिया कॉल सेंटर्स में बट बार 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 बार, बार रिजेक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ मैं असम से हूँ और मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था और ऊपर से एम प्रॉब्लम्स की वजह से और कोई बताने वाला भी नहीं था कि इंटरव्यू कैसे दे या मतलब कैसे प्रिपेयर करना है क्या करना है तो ऐसे में बार 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 रिजेक्ट हो रहा था तो काफ़ी परेशान हो गया था मैं तो ऐसे में मेरे भाई ने मुझे एक रीजनल कॉल सेंटर में रेफ़र कर दिया था जहाँ पे एस बोलने वालों की ज़रूरत थी और वहाँ पे जाके मेरा नौकरी लगा और फिर मेरा करियर एक छोटी सी टेलीकॉलर की नौकरी से शुरू हुआ तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ धीरे 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 करके मैंने दोस्त बनाए राइट right, लोगों से सीखा अपने मैनेजर से सीखा फिर धीरे 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 करके मेरा अच्छा हो गया कॉल सेंटर में फिर बाद में जाके मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में भी काम किया टोटल 11 इयर्स, 11 साल मैंने कॉल सेंटर में काम किया इसी बीच में कुछ ऐसे चीज़ें जो मुझे सीखने को मिला कि शुरुआत से मम्मी पापा बोलते थे एक और चीज़ शायद मुझे बताना पड़ेगा कि हम में से क्या करते कि जैसे ही कोई नौकरी लगता है और पैसे कमाने लग जाते हैं हम ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पैसे की कमी बहुत महसूस किया जिसके चक्कर में जब पहली बार ही नौकरी लगता है तो एकदम से हम शायद ओवरवेलम हो जाते हैं या हम संभाल नहीं पाते या थोड़ा एरोगेंस आ जाते हैं और पैसे को ढंग से नहीं संभाल पाते लाइक like, मम्मी पापा हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा अच्छा है कि आप कमाने लग रहे हो हमें सपोर्ट कर रहे हो ट्राई करो कि पैसा थोड़ा सेविंग करो और आगे जाके आपको शादी भी करनी है घर भी खरीदना है तो सिर्फ खर्च मत करो सेविंग भी करो तो ऐसे में जब मैं अच्छा पैसा कमाने लगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा तो मैं मम्मी पापा की बात यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देता था कभी सेविंग नहीं करता था लाइफ को ऐसा जीता था जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये मूवी आपने देखा होगा और मैंने इस मूवी को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था दिस इज़ अनादर मिस्टेक ऑफ माई लाइफ जहाँ पे मैंने पैसे को कभी भी अच्छे से मैनेज नहीं किया हमेशा ऐसा चलता था कि जैसे आगे भी ऐसा ही अच्छा चलता रहेगा और कैसे भी करके मैनेज कर लूँगा राइट right? कभी भी सेविंग नहीं किया कभी ये नहीं देखा कि कौन सी ज़रूरी है कौन सी ज़रूरत नहीं है बस ऐसे ही चलता रहा और ऐसे करते 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 मैं इतनी उधारी में घुस चुका था कि बाई एंड ऑफ द मंथ माई ई एम आई जो मेरा महीने का ई एम आई था वो लाख रुपए से भी ऊपर बन चुका था ये जो कलेक्शन वाले कंपनी थे ये लोग धीरे 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 करके ये लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉल करने लग गए ये लोग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाके फ्रेंड्स को मैसेज करने लग गए कि थॉमस ने लोन लिया है और कॉल आंसर नहीं कर रहा इसको बोलो कॉल आंसर करने के लिए तो ऐसे काफ़ी हैरस करते थे कभी मेरे फैमिलीज़ को कॉल करते थे या फ्रेंड्स को ऐसे करते करते मेरा लाइफ बिल्कुल खराब कर दिया था और ऐसे में ऑलरेडी इतने परेशानी चल रहा था मेरे लाइफ में कि अचानक से एक दिन कंपनी वालों का कॉल आ गया कि डेट हम लोग ये बिजनेस बंद कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वी आर लेइंग ऑफ मैंने अपनी नौकरी खो दी राइट right? मुझे समझ नहीं पा रहा था कि मेरे लाइफ में हो क्या रहा है एक तरफ पैसे की टेंशन इतना ज़्यादा और ऊपर से नौकरी भी खो दिया तो ऑलमोस्ट लाइक like मैं अपनी गर्लफ्रेंड की भरोसे चल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से उधारी ले लेके चल रहा था और एक दिन ऐसा भी हुआ कि ये जो लोन कंपनी वाले हैं ये लोग मेरे गर्लफ्रेंड की कंपनी को कॉल कर दिया और पूछने के लिए कि मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए कि ये थॉमस कहाँ पे है ऐसे में मेरे गर्लफ्रेंड बहुत एम्बेस हो गए काफ़ी शर्मिंदा उनको महसूस करना पड़ा अपने एच के सामने और उन्होंने भी गुस्से में आके वापस आके मुझे बोल दिया कि देखो थॉमस मैं आपको काफ़ी मानता हूँ बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और काफ़ी प्यार था लेकिन मेरे ख्याल से मैं इस रिलेशनशिप में और रहना नहीं चाहता इस तरह से हैरसमेंट लाइफ जीना नहीं चाहता एंड आई रियली नीड पीस आई वॉन्ट टू मूव ऑन from दिस एंटायर सिचुएशन एंड उन्होंने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और वो भी मूव ऑन हो गए तो आज जो भी सिचुएशन था मेरे खुद के गलतियों की वजह से ही था क्योंकि पहले तो सेविंग्स नहीं किया फिर पैसे को नहीं संभाला पैसे के साथ खेला बहुत और मम्मी पापा या भाइयों से लड़ाई कर लिया था एंड आज जो भी सिचुएशन था मेरे खुद के गलतियों की वजह से तो मुझे समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए ऐसे में कोई गाइड करने वाला भी नहीं था तो मैं धीरे 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 करके डिप्रेशन में घुसता गया टू थाउजेंड इट वाज बैक इन सितंबर एंड अक्टूबर आई वाज कम्प्लीटली काइंड ऑफ स्टक एंड इन डिप्रेशन फिर से दोबारा इंटरव्यूज़ देने लगा बट मेरा कॉन्फिडेंस इतना खराब था कि मैं इंटरव्यूज फिर से फेल कर रहा था क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था इवन द टेलीफोनिक राउंड्स फिर समझ नहीं पा रहा कि ऐसे में क्या करूँ तो मैं यूट्यूब में धीरे धीरे सर्च करने लगा कि uh, मेरे ख्याल से आप लोग भी करते होंगे जब

वो बी गाड़ी में बड़े शान से आते थे और बिल्कुल ऑफिस के दरवाजे के सामने उतर के बड़े शान से ऑफिस के अंदर जाते थे वो बड़ा इंस्पायर करता था मुझे और मैं भी कभी सोचता था कि काश मैं भी कभी ऐसा कोई बड़ी सी कंपनी का डायरेक्टर बन पाऊँ और मेरे पास भी इस तरह की बी गाड़ी हो बचपन के सपने जैसे राइट बट एनी तो ये जो यूट्यूब वीडियो है इसके वजह से मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया था और इसके जो वीडियो में जो प्रीतम नगराले सर ही इज़ वन ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल ब्लॉगर फ्रॉम मुंबई उनको फॉलो करते हुए मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि हाई सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू आई रियली वॉन्ट टू लर्न ब्लॉगिंग फॉर फ्रॉम यू सो दैट आई कैन बिकम सक्सेसफुल लाइक यू एंड इन रिटर्न आई एम रेडी टू वर्क फॉर फ्री मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा बदले में आप मुझे ब्लॉगिंग सिखाओगे क्या रैंडमली मैसेज कर दिया और मुझे पता नहीं था कि वो एक्चुअली रिस्पॉन्ड करेंगे इट वॉज़ जस्ट लाइक कि आप मुंबई आए हो एक्टर बनने के लिए और गलती से शाहरुख खान को मैसेज कर दिया और शाहरुख खान ने आपको रिप्लाई कर दिया दो दिन बाद उनका मैसेज आया कि हे थॉमस कॉल मी दिस इज़ माई नंबर उन्होंने बोला कि ये मेरा नंबर है कॉल बैक बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था और एकदम से मैंने उनको कॉल लगाया और उनको अपने बारे में बताया और काफ़ी अच्छा हुआ हमारी बातें 10-15 मिनट की बातें हुई थी और उन्होंने बोला कि बट तुम फ्री में काम कैसे करोगे तो मैंने उनको बताया जो मेरे सर थे ब्लॉगिंग वाले सर उनको बताया कि मेरे पास हाथ में एक रात को करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी है मैं उससे अपना गुजारा कर लूंगा दिन को आप बस मुझे ब्लॉगिंग सिखा दो और मैं भी आपकी तरफ ब्लॉगिंग का मास्टर बन के पैसे कमाना चाहता हूँ मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि मैं एज एन ऑफिस बॉय काम कर रहा था लोग को चाय देने का काम सफाई करके सामान लाने का काम लेकिन ठीक था क्योंकि मुंबई में मुझे कोई जानता नहीं था तो आई वॉज ओके आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी मैं खुश नहीं था बट ठीक था बदले में मुझे प्रीतम सर इस जेमो परसन काफ़ी अच्छे बंदे हैं वो उन्होंने हमेशा मेक श्योर किया कि एक दिन दो घंटे जरूर निकालें मुझे ब्लॉगिंग सिखाने में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था और बिल्कुल महीना खत्म ही हो रहा था जैन की महीना इट वॉज 2019 जनवरी महीना खत्म ही हो रहा था कि जो मेरा यूएस वाला फ्रेंड था जिनके साथ मैं पार्ट टाइम नौकरी करने वाला था उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सॉरी थॉमस मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा फ़िलहाल के लिए शायद तुम्हें और कोई नौकरी ढूंढना पड़ेगा इस वक्त मेरे पास भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है अब जाके मुझे दिक्कत आने शुरू हो गई मुंबई में क्योंकि मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो रहे थे और प्रीतम सर से पैसे ले नहीं सकता दूसरी नौकरी अभी पता नहीं कहाँ से मिले बट जो भी है नौकरी तो ढूंढना पड़ेगा तो ऐसे में मैं पागलों की तरह दोबारा इंटरव्यूज़ देने लगा बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहा था लेकिन कहीं नौकरी मिल नहीं रहा था इस वक्त मैंने डिसाइड किया कि कुछ तो करूंगा जो होगा देखा जाएगा आई लिव लाइफ एंड फिर मैं प्रीतम सर के ऑफिस में रात रात भर बैठ के उनके वाईफाई यूज़ करके उन्हीं के चेयर में बैठ के नौकरी ढूंढता रहता था ऐसे में एकदम से मेरा ईमेल्स पे ध्यान गया जहाँ पे लिखा हुआ था कि थॉमस लगासू वी वुड लाइक टू स्केड्यूल एन इंटरव्यू एज अ टेलीकॉलर फॉर टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव तो अगले दिन मैंने इस इंटरव्यू वाले को कॉल किया इस एच को कॉल किया और पूछा कि क्या है क्या काम करना है कैसा कंपनी है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक छोटा सा स्टार्टअप है जहाँ पे बच्चों को कोडिंग पढ़ाया जाता है और आपका काम बस इतना ही है कि कॉल करके कस्टमर को पूछना है कि उनके पास वर्किंग लैपटॉप है वर्किंग इंटरनेट है और जस्ट एक टेस्ट वीडियो कॉल करना है उतना ही काम है आपको तो मुझे ये काम बड़ा आसान लगा और मैंने सोचा कि आई कैन डू इट तो मैं इंटरव्यू के लिए गया और एकदम से क्लियर कर दिया और इंटरव्यू क्रैक कर लिया और बड़ा अच्छा लग रहा था कि काफी दिनों बाद कुछ अच्छा हो रहा था जबकि सैलरी बस बीस हजार ही दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप अच्छा करो तो आपका ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकता है काफी अच्छा हो सकता है चीजें मैंने ठान ले लिया था कि इस बार मैं सिर्फ काम पे ध्यान दूंगा और कैसे भी करके अपने लोन्स को जल्दी से जल्दी पे ऑफ करूंगा इन चीजों को ठीक करूंगा परेशानी बहुत था क्योंकि लोन कंपनी वाले बार बार फिर भी कॉल कर रहे थे और पुरानी चीज़ें बार बार याद आ रहा था और समझ नहीं पा रहा था कभी कभी बहुत अपसेट भी हो जाता था तो मैंने क्या करना शुरू किया अपने आप को इन चीज़ों से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने लग गया जब जहाँ पे लोग आठ आठ घंटे काम करते थे मैं चौदह पंद्रह घंटा काम करने लगा था तो मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ रहा था और बाकी लोगों से काफ़ी आगे था इसके चक्कर में डेढ़ महीने के अंदर मुझे टीम लीडर बना दिया गया और मुझे प्रमोशन मिला बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कहाँ मैं बीस हज़ार से पचास की सोच रहा था और एक महीने के अंदर जब ऐसा मेरा ग्रो हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और काम में और ज़्यादा मन लगा तो जैसे जैसे मैं फ़ाउंडर को हेल्प करता गया मैं कस्टमर सर्विस टीम को हेल्प करने लगा तो मुझे कस्टमर सपोर्ट मैनेजर बना दिया गया फिर फाउंडर खुद ट्रेनिंग देता था, था जब फाउंडर बिजी था तो मैंने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को भी संभालने शुरू कर दिया तो उन्होंने मेरा सैलरी फिर से बढ़ा के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर भी बना दिया था मेरा इसलिए अच्छा हो पाया क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो गया था टेलीकॉलिंग से टेलीकॉलिंग की नौकरी कर लिया था मैंने 11 साल से और यहाँ पे भी मैं टेलीकॉलर से फिर कस्टमर सपोर्ट मैनेजर बना तो ऐसा करते करते मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने की वजह से मैं लोगों को बहुत अच्छा कन्विंस कर पा रहा था जिसके चलते मेरा सेल्स में बहुत फ़ायदा हो गया और सेल्स में जैसे ही आया एकदम से मैं दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर गया और पहला सेल्स लीडर बना उसके बाद एक साल के अंदर मैं एज अ सेल्स डायरेक्टर प्रमोट हो गया तीन महीने के अंदर जब हमने इंटरनेशनल बिजनेस को भी बहुत अच्छा कर दिया तो मैं बन गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स फॉर इस कंपनी एंड फाइनली अपना जॉब्स ने मुझे कॉन्टेक्ट किया इसी बारे में बात करने के लिए कि कैसे हम एक छोटे से टेलीकॉलर से लोगों को बड़ा बनाने के लिए बड़ा करने के लिए सिखा सकते हैं इस प्रोडक्ट को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया और जब मैंने उनको अपने बारे में बताया और रिलेट किया और उनको बताया कि ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हो सकता है लोगों को लगता है कि एक टेलीकॉलिंग से क्या ही हो और मैंने उनको बताया कि एक इस इतने छोटे से नौकरी से भी बड़ा हो सकता है अगर आप चाहो तो अगर कोई ध्यान दे या उसको राइट गाइडेंस मिले तो तो इसीलिए मैंने हाँ बोल दिया और आज मैं एस हेड ऑफ बिजनेस फॉर स्किलिंग अपना जॉब्स में सेल्स हेड बन के ज्वाइन किया एंड आज आपके सामने अपनी जर्नी को बता रहा हूँ जस्ट टू इंस्पायर यू डेट सबको लगता है कि एक छोटी सी नौकरी से इतना बड़ा ख्वाब बहुत बड़ी बात है बहुत अनरियलिस्टिक है लेकिन अनरियलिस्टिक कुछ भी नहीं है अगर आप चाहो तो अपना जॉब्स में मैं पर्सनली इस कोर्स पे काम कर रहा हूँ एक टेलीकॉलिंग का कोर्स है जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है रेज्यूमें कैसे बनाना है कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और कैसे विचार से बात करना है और काम में जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लो तो वहाँ पर क्या काम करना है और कैसे करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रमोट होकर आगे बढ़ जाओ ये सारे चीजें आपको सिखा के इक्कीस दिन के अंदर रेडी करके मार्केट के हिसाब से स्किल्ड बनाते एंड यू नो वट योर जॉब इज अस इट इज हंड्रेड परसेंट जॉब